समता स्वतंत्रता। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऐसे राष्ट्र का निर्माण। मनमानी लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिलता है 4,000 रुपया और इनके एवज में इन लोगों को कितना पैसा मिलता है इन लोग खुद नहीं पता है। संडे के दिन इन लोग हाजिरी काट दी जाती है, वो पैसा कौन लेता है ये भी नहीं मालूम है। इन लोगों का कुछ भी होता है, ये लोग जब बढ़िया अधिकारी अधीक्षक होते हैं प्रिंसिपल जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम मेरा स्टाफ नहीं है, तुम्हारे बारे में हम कोई रिस्क नहीं लेते, तुम जिससे काम करते हो तुम मुझसे बात करो। उनसे बात किया जाता है तो लोग गाली देकर उनको भगाया जाता है लेकिन इनको कोई समस्या नहीं सुना जाता है। ये लोग जब भी कुछ आंदोलन करते हैं मांग करते हैं इनके आंदोलन को दबा दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है। SKMCH के जहाँ हम एम्स की तर्ज की बात करते हैं कि हमारा SKMCH एम्स की तर्ज पे जा रही है, वहाँ आज ब्लड बैंक पे दलाली चल रही है, रेफर की खेल चल रही है, मेडिसिन के काउंटर पे दलाली चल रही है, लेकिन यहाँ का मेडिकल प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। चाहे प्राचार्य को हम लोग बोलते हैं चाहे अधीक्षक को बोलते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेती है। अंत में आज हम लोग स्वास्थ्य मंत्री महोदय के पास हम लोग अपने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए इनके पास आए हैं। अगर हमारे इन ज्ञापन पे वो विचार नहीं करते हैं और इन लोगों की बात मानकर न्यूनतम मजदूरी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है न्यूनतम अगर 18,000 रुपया अगर मजदूरी नहीं मिलता है तो हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। और इसी कैंपस के अध्यक्ष महोदय के कार्यालय के बाहर हम लोग अनशन पे बैठेंगे। सभी राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ और जन जागृति मंच के बैनर तले हम लोग अनशन पे यहाँ बैठेंगे। बच्चा बताइए, मेरा नाम गणेश कुमार, अध्यक्ष जन जागृति मंच। सर हम लोग दिल जान लगा के मेहनत करते हैं, ठीक है, हर तरीका के नरक साफ करने के लिए भी तैयार है, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग का ना पेमेंट बहुत कम है और एक दो दिन नागा करने के बाद वो भी पैसा काटा जाता है। और कितना पैसा मिलता है? 4,000 है ना, एक दो दिन नागा होते वो भी काट लिया जाता है। मेरे शरीर में अगर कोई दुख आ जा रहा है काम करते करते, इसके लिए 1,000 रुपया मांगने पर एडवांस नहीं मिलता है। और चाहे हम पेट में नूरा कस की भी करे काम तो भी करना है, डर जमाते हुए सबका बात रखते हैं, बड़ो साफ सुधार के सबका बात रखते हैं कि भाई हमको हटा देगा, नहीं काम करेंगे तो मेरा 3 बच्चा मर जाएगा, मेरे पति मर चुके हैं, मैं किसके सहारे जीऊंगी। और मेरे पति भी इसी हॉस्पिटल में काम करते हुए मर गए इन्फेक्शन के कारण, और हमको भी बीच में इन्फेक्शन लग हुआ था, पैर में घाव निकला, उसमें भी नरक घिंच रहे थे, घिसते घिसते हम बहुत विशेष बीमार पड़ गए। और उसके बाद हम आए डिप्टी मांगने तो हमको डिप्टी नहीं देखे, फिर गंदे जगह पे नौकरी दिया जा रहा था, तो हमने बहुत रोया बहुत रोया, तो फिर हमको सही जगह काम दिया। थोड़ा सा भी सिस्टर हम लोग के बारे में शिकायत कर देती है। अच्छा बताइए, नाम बताओ ना। नाम मेरा है मंजू देवी और पति का नाम स्वर्गीय मुन्ना राव। समता स्वतंत्रता। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऐसे राष्ट्र का निर्माण।